हम देख रहे हैं वीकली मार्केट अपॉर्चुनिटी। लास्ट वीक में हमने जो ट्रेड टोटल लिए थे वो पांच लिए थे। पांच में से दो ट्रेड ही हमको मिले और तीन ट्रेड नॉन एग्जीक्यूट रहे, जिसमें से हमें दो ट्रेड में 2020 रुपीज का प्रॉफिट मिला है। हम लोग ने अजम्पशन हमारा कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए हम लोग एक इक्वली डिवाइड करके स्टॉक्स में डालते हैं, तो हमने 20-20,000 रुपीज का पोजिशन लिया था। आप वीडियो स्टॉप करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया और एसबीआई ने हमने ट्रेड करने की कोशिश की थी। अब इस आने वाले वीक में कहां कहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन कौन से स्टॉक्स में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर देखें तो इस वीक में बजाज फाइनेंस के शेयर्स में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जहां से देखें कि प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग रहा, एक हायर लो एस्टैब्लिश किया, एक वापस लोअर हाई है और यहाँ पे एक सस्टेन करता हुआ हमको दिख रहा है बजाज फाइनेंस का शेयर। छोटा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 5,750 रुपए के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक्स है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ब्रिटानिया बहुत नीचे गिरा हुआ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉटम फिशिंग करने की, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, मतलब इस लेवल का यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, जो ये लेवल है 33,390 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग 3,440 में बाई करके 3,550 रुपए के लिए बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो आइशर मोटर के शेयर्स में भी काफी एक स्ट्रेंथ हमको देखने मिल रहा है। अगर हम लोग ने मंथली कैंडल भी देखा था आइशर मोटर का, प्रॉपरली एक हायर लो एस्टेब्लिश करता हुआ दिख रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम सपोर्टिव है। यहाँ पे देखें तो लोअर हाइज लोअर लोज बनते जा रहे हैं, मगर यहाँ पे एक डेली कैंडल पे प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर आर्ली कैंडल से हम लोग समझने की कोशिश करें तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिखती है यहाँ पे, और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बाइंग कर सकते हैं। आप वीडियो स्टॉप करके प्रॉपरली टारगेट और स्टॉप लॉस और टारगेट सब देख सकते हैं। उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। एचडीएफसी लिमिटेड 3% प्लस था, मगर यहाँ से लेके जो एक अप ट्रेंडिंग जर्नी रही है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद एक जो रिट्रेसमेंट आएगा उस रिट्रेसमेंट लेवल पे हम लोग 2472 पे कोशिश करेंगे बाइंग करने की, और एक ऊपर का स्टॉक टारगेट हम लोग देखेंगे। अगर देखिए नेस्ले इंडिया भी एक बेहतर शेयर दिख रहा है हमको आने वाले वीक में ट्रेड करने के लिए। नेस्ले इंडिया की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है, इस लेवल पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस भी इसी लेवल पे हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने, मतलब लास्ट वीक में ये देख सकते हैं कि 100 रुपीज लोअर लेवल से ऊपर चला गया। यहाँ पे देखें तो 1900 का लेवल बहुत दिन तक एक ट्रेड कर रहा था और उसके बाद प्रॉपरली अभी 2000 हो गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग सेम प्राइस पे, मतलब 1980 में बाइंग करके अगर 1980 के नीचे क्लोज देता है तो हम लोग एक एग्जिट ले सकते हैं और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 2040 के लिए। उसके बाद देखें तो टीसीएस में भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर देखें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, तो एक प्रॉपरली एक डाउन ट्रेंड है, फिर एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो स्टैब्लिश करता हुआ दिख रहा है हमको, और अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो बड़ा टाइम फ्रेम प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे हायर लो पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट हम देख सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग रहा है, एक हायर लो स्टैब्लिश किया, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 6,800 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।